Hey guys, welcome back to my channel. So today I'm going to be sharing with you my skincare routine. So let's get started. Now मैंने यूज़ किया मेरे क्लिंजर के लिए निविया फेस वॉश मिल्क डिलाइट्स. इसके पार्टिकल बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. ये मैंने सेंसिटिव स्किन वाले वेरिएंट में लिया. ये मस्ट बाय गाइस, ये बहुत ही बेस्ट है फॉर सेंसिटिव स्किन एंड ऑल स्किन टाइप. नेक्स्ट मैंने मिस्ट यूज़ किया है जो कि है गुड वाइब्स जैस्मिन हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट. ये आपको एक सूद कामिंग इफेक्ट देता है आपके स्किन को. आप ये एक्ट करता है एज ए टोनर भी, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं. मैं इसे डेली अप्लाई करती हूँ, ये मुझे एकदम सूदिंग इफेक्ट देता है. नेक्स्ट फॉर माय सीरम मैंने यूज़ किया है गुड वाइब्स का रोज हिप ग्लो फेस सीरम. इट इज़ रियली गुड यू गाइज, यू जस्ट नीड 2 to 3 drops ऑफ दिस और आप इसे अपने फेस में अप्लाई कर लेंगे. मैंने इसे अपने लिप्स में भी अप्लाई किया है, आप देख सकते हैं. ये आपके लिप्स को भी बहुत सॉफ्ट लगता है. इट हैज़ अ सेसमे ऑयल, आलमंड्स ऑयल एंड वाइटामिन ई यू जो कि हेल्प करता है आपके स्किन टाइटनिंग में भी. आप देख सकते हैं इसने मुझे विद इन अ काइंड ऑफ ग्लो प्रोवाइड किया है. आप इसे अपने जब आप मेकअप कर रहे हैं तो आप इसे अपने बेस के अंडरनेथ भी अप्लाई कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं अपने फाउंडेशन के साथ. सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है मेरे आई सीरम के लिए गुड वाइब्स क्यूकम्बर एंड लेमन अंडर आई सीरम. दिस सीरम इज़ रियली गुड. क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है गाइस. मेरे डार्क सर्कल्स बहुत थे, मैंने इसे यूज़ किया है. आप देख सकते हैं मेरे डार्क सर्कल बहुत ही कम हो गए. ये मेरा सेकेंड परचेज है, सेकेंड बॉटल मैंने लिया हुआ है. आपको इसकी बस जस्ट 1 to 2 drops चाहिए अंडर योर आइज एंड आप अपने लिटिल फिंगर से हल्का सा प्रेशर डाल के आप इसे जस्ट मसाज कीजिए जब तक कि ये एब्जॉर्ब ना हो जाए आपके अंडर आई एरियाज में. ये बहुत ही बेस्ट है एंड यू नो क्यूकम्बर एंड लेमन ये स्किन टाइटनिंग भी करते हैं एंड स्किन लाइटनिंग भी करते हैं एंड दे सूद योर स्किन. सूदिंग प्रॉपर्टी है इनकी एंड ये पफिनेस एंड स्वेलिंग को रिड्यूस भी करते हैं. सो नेक्स्ट मैंने मॉइस्चराइज़र के लिए लिया है निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र. इट हैज़ विटामिन ई आल्सो. विटामिन ई के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं स्किन को, स्पेशली ये सूद करता है, स्किन को टाइट करता है, कोलेजन फाइबर जो होते हैं हमारे स्किन में उनको भी ये स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है. तो सो मैंने लाइट मॉइस्चराइज़र के लिए लिया है निविया सॉफ्ट विटामिन ई मॉइस्चराइज़र. मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ एंड देन अच्छे से मैं इसे मसाज कर रही हूँ मेरी स्किन में. सनस्क्रीन इज़ रियली मस्ट. सो मैंने यहाँ पे अयूर का सनस्क्रीन लिया है. इसमें SPF 15 भी है और ये pH को बैलेंस करता है आपके एंड ये मैंने 100 ml की क्वालिटी में परचेज़ किया है. इट हैज़ विटामिन ई आल्सो. UVA UVB से ये प्रोटेक्ट करता है. विटामिन ई जो है मॉइस्चराइज करता है आपके स्किन को एंड प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हार्मफुल रेज. आपको ये डेली बेसिस पे ज़रूर अप्लाई करना चाहिए. ये एक अफोर्डेबल सनस्क्रीन है जो इसमें SPF 15 है. नाउ माई स्किन लुक्स हाइड्रेटेड एंड देन फॉर माई लिप्स आई एम यूजिंग पर्पल लिप बाम. इट्स इन द शेड चाइल्डहुड बेस्टीज. इट हैज़ कोकोआ बटर, शिया बटर एंड वाइटमीन्स जो कि आपके लिप्स को हाइड्रेट रखते हैं एंड आपके चैप्ड लिप्स से भी प्रिवेंशन करते हैं. सो आपको डेली बेसिस में इसे अप्लाई करना चाहिए. इफ़ प्लम्प लुक आपको चाहिए आपके फेस पे एक पिंक सा ग्लो, सो आप एक लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने लैक्मे एब्सोल्यूट लिपस्टिक यूज़ की है जो कि मैट नहीं है, जो कि आपको एक शीयर लुक देगी. सो इसका शेड नेम है सॉफ्ट मॉव. मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इनकेस आप चेकआउट करना चाहें तो. सो मैं इसे अपने चीक्स पे लिटिल बिट अप्लाई करके जस्ट ब्लेंड कर रही हूँ. यू कैन सी द डिफरेंस. इसने मुझे एक नेचुरल प्लम्ड पिंक लुक दिया है. देन जस्ट मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक नेचुरल सा फ्लश्ड लुक दे मेरे फेस में.
अब मैं इसे लिटिल बिट अपने लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ एंड जस्ट डैप करूँगी इसे मैं अपने फिंगर से, ताकि एक नेचुरल सा प्लम्ड लिप्स दे मुझे। देन माई स्किन केयर इज़ कम्प्लीटेड गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने इसमें अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ किए हैं जो कि लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड डोंट फर्गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।